मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ फोर डॉट, अभी शेयर कर देता हूँ। सही है, API इंटीग्रेशन इसका मैंने नाम रख दिया। यार स्क्रीन कैसे हैंग हो जाती है अचानक। हाँ भाई आ गई दोनों साइड पे स्क्रीन। सही है, API इंटीग्रेशन इन वेब एप्लीकेशन। कि अब हम क्या करेंगे कि वेब एप्लीकेशन बनाएंगे और उससे API कॉल करेंगे। पहले हम वेदर ऐप की एक API थी ओपन वेदर मैप करके, उसको कॉल करते थे, अब हम खुद की API कॉल करेंगे। सही है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। हाँ, एक index.html के नाम से मैंने पेज बना लिया। सही है, एक index.html के नाम से मैंने पेज बना लिया और इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, एक फॉर्म बनाना है मुझे एक्चुअली। एक तो मैं काम करता हूँ, पहले जो हमने वेदर ऐप बनाई थी ना उसी से वो फॉर्म कॉपी करके ले आता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। कहाँ है भाई हमारा वेदर ऐप? ES6 कंपेरिजन लॉजिकल फॉर लूप फैच डेटा फ्रॉम इंटरनेट है ना, ये वाला है ना। बस इसका पूरा ये फाइल मैंने कॉपी कर ली और पूरी फाइल कॉपी करके ना इधर ला के मैंने पेस्ट कर दिया। सही है, ताकि मुझे फ्रंट एंड वाला जो फॉर्म वगैरह है वो दोबारा से ना बनाना पड़े। मैंने आके इसको चला के देखा तो कुछ इस तरह का मेरे पास ये फॉर्म बना हुआ है इसके ऊपर। यार एक तो जलानी पड़ेगी ना लाइट, आ रही नहीं मंदिर से, इस तरफ देख लो। असल में ये प्रोजेक्टर ना थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुई थी इसमें, ठीक है, तो ये लाइट की वजह से नहीं हो रहा, इस प्रोजेक्टर में ही मसला है। तो यहाँ देख लो और साथ साथ मैं बोलता भी जा रहा हूँ जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। थोड़ा जूम इन और कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम इन और कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो ये कोड ज़रा हम देख लेते हैं शुरू से आखिर तक कि इसमें क्या बना हुआ है। सबसे पहले एक H1 करके हेडिंग है, उसमें वेदर ऐप लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ API इंटीग्रेशन। सही है जी, और एक फॉर्म बना हुआ है जिसमें एक अदद इनपुट बॉक्स है, सिटी नेम, उस पर ID लगी हुई है, एक बटन है सबमिट का जिसके ऊपर लिखा हुआ है गेट वेदर, ठीक है जी। एक डिव है जिसमें हम रिजल्ट को डिस्प्ले करवाएंगे, उसके अलावा एक्जियोस की लाइब्रेरी है वो अटैच हुई हुई है इसके अंदर, ठीक है। ये सब आप लोग यूज़ कर चुके हैं पहले, एक्जियोस की लाइब्रेरी। उसके बाद यहाँ से मेरी स्क्रिप्ट शुरू हुई है। अब यहाँ से जो मेरी स्क्रिप्ट शुरू हुई है इसमें ये कॉमेंट हुआ हुआ पार्ट है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो मेरी स्क्रिप्ट के अंदर एक्चुअल में क्या है, एक ही फंक्शन है जो गेट वेदर के नाम से, ठीक है, जो कि किस पे कॉल होता है, इस फॉर्म की सबमिशन पे कॉल होता है, ठीक है। अच्छा, कोई भी बंदा ऐसा है जिसको अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फॉर्म कैसे बना हुआ है, तो वो पिछली क्लास जिसमें हमने ये फॉर्म वॉर्म पढ़ा था ना इनपुट आउटपुट जावास्क्रिप्ट में, उसकी वीडियो जाके देख लेगा तो उसको पता चल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म के सबमिशन पे, यानी जब ये सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन चल जाता है। अब ये फंक्शन जब चलता है तो क्या करता है, सिटी नेम को गेट करता है, ये इनपुट में से वो वैल्यू उठा लेते हैं कि सिटी नेम में इस यूज़र ने इस वक्त क्या लिखा है। अच्छा, उसके बाद एक्जियोस डॉट गेट करके ना क्या करता है, एक ओपन वेदर मैप की API को कॉल करता है। सही है, ओपन वेदर मैप की API कॉल करता है। अच्छा, अब हमने कौन सी वाली API कॉल करनी है, हमारी खुद की API पे वो हमने कॉल करनी है। सही है, तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूँगा, इसको हटा दूँगा और यहाँ पर मैं https://abcapp.cyclic.app/weather कुछ इस तरह की हमारी API होगी, राइट। रेलवे पे डिप्लॉय किया था हमने लास्ट, हमने कहाँ पे डिप्लॉय किया था, रेलवे पे, एक ही बात है, साइक्लिक रेलवे, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो ये इस तरह करके मैं API कॉल करूँगा। अच्छा, उसके बाद देन में जो रिस्पॉन्स मुझे वहाँ से भेजूंगा ना, वो मुझे या देन में मिलेगा, और मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा को कॉन्सोल पे प्रिंट करवा दूंगा, और कॉन्सोल पे प्रिंट करवाने के बाद का जो काम है वो हम जब प्रिंट हो जाएगा ना एक दफ़ा कि किस तरह का डेटा आ रहा है, तो उसको हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे इस तरह करके। अगर कोई एरर आ जाता है तो वो कॉन्सोल पर मैं प्रिंट करवा दूंगा कि भाई ये एरर आ गया है, ठीक है। स्क्रीन पर भी प्रिंट करवा सकता हूँ लेकिन फिलहाल मैं कॉन्सोल पर करवा रहा हूँ,
ठीक है, आप सब लोगों ने एरर हमेशा स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। अच्छा, तो ये हमारी ये फ्रंट एंड की पूरी ऐप ये बन चुकी है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने आके यहाँ पे इसको बंद कर दूँगा। अब मैंने यहाँ पे आके ये जो मैंने सर्वर लिखा था ना लास्ट टाइम पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा सर्वर मुझे कहाँ पे चाहिए, मुझे इस अपनी ऐप में चाहिए ना, तो उसको भी कॉपी करता हूँ मैं और कॉपी करके API इंटीग्रेशन वाले फोल्डर में लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। सही है, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब मेरा फ्रंट एंड कहाँ पे होस्ट होता था पहले, मेरा फ्रंट एंड पहले कहाँ होस्ट करता था, गिटहब पेजेस पे करता था या फायरबेस होस्टिंग पे भी कर सकता हूँ या नेटलीफाई होस्टिंग पे भी कर सकता हूँ। लेकिन अब क्योंकि मेरे पास खुद का सर्वर है तो मैं अपने इसी सर्वर पे भी इस HTML की फाइल को होस्ट कर सकता हूँ। सही है, तो जल्दी से ज़रा कर लेते हैं। अच्छा, तो फिर मुझे करना क्या होगा सर्वर के ऊपर, अब जाहिर है मेरे पास अभी तो एक ही पेज है ना इस वेब एप्लीकेशन में, सिर्फ index.html एक पेज की वेबसाइट है, लेकिन कल को ये एक से ज़्यादा पेजेस भी हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, शुरू में ही एक फोल्डर बना लूँगा वेब, और मैं इस इंडेक्स की फाइल को ना इस वेब में मूव करवा दूँगा। सही है, ताकि अब मेरा जो भी वेबसाइट का जो भी काम हो ना उस वेब के अंदर हो, और रूट जो है मेरा वो क्या हो, वो सारा सर्वर की चीज़ें हो सारी। अच्छा, तो ये हो गया जी। अब मैं आऊँगा अपने पास यहाँ सर्वर की फाइल में, और सर्वर की फाइल में आने के बाद ये जो स्लैश वाटर फूड था ना इसको हटा देते हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, राइट। अच्छा, वाटर को तो मैं वेदर कर देता हूँ, यही API कॉल कर रहा हूँ मैं स्लैश वेदर, ठीक है, जब मैं होस्ट करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो कौन सा वाला है। अच्छा, फूड इसकी अब ज़रूरत नहीं है मुझे। अच्छा, अब मैं क्या बोलता हूँ, मैंने कहा app.get, अगर स्लैश की रिक्वेस्ट करे कोई, स्लैश की रिक्वेस्ट का क्या मतलब है, लोकल होस्ट 3000 स्लैश, बस इतना ही। अगर क्लाउड पे डिप्लॉय हो चुकी है तो myapp.cyclic.app, बस सही है, मतलब इतना अगर स्लैश तक की कोई रिक्वेस्ट करे तो क्या करना है, तो करना है express.static, ठीक है। ये एक्सप्रेस का जो सर्वर है ना उसका एक फीचर है ये स्टेटिक फाइलों को होस्ट करने का, तो ये मैं वो कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा ये चीज़ मैं भूल रहा हूँ अभी कि कैसे लगती थी ये। एक काम करते हैं ना, चलते हैं एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में, एक्सप्रेस स्टेटिक, सही है, ये आ गया सर्विंग स्टेटिक फाइल। तो ये है सर्विंग स्टेटिक फाइल का तरीका, इसमें इन्होंने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की है पाथ के नाम से, तो हम भी वो इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो लाइब्रेरी है ना इसको क्या करना पड़ता है, इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। क्यों नहीं इंस्टॉल करना पड़ता, क्योंकि ये Node.js के अंदर बिल्ट इन होती है लाइब्रेरी, पहले से होती है, Node.js में डाल के दी गई है आपको, ठीक है, तो ये पहले से इंस्टॉल होती है। अगर Node.js इंस्टॉल किया तो आपकी मशीन में पहले से इंस्टॉल है ये लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करने के बाद ये जो पूरी की पूरी लाइन है ना ये मैंने क्या कर ली, कॉपी कर ली। सही है, अभी इससे देख के मैं यहाँ पे लिख लूँगा। अच्छा, ये कह रहा है स्टेटिक, मैंने स्टेटिक नहीं स्लैश, स्लैश की रिक्वेस्ट पे मैंने क्या करना है, मैंने वो HTML का पेज उठा के भेजना है। सही है, इसको मैंने रोक दिया यहाँ से। अच्छा, अब हम चूँकि ना ES6 पढ़ रहे हैं ना, देखो अब इसमें हो क्या रहा है गौर से समझना। app.use, अच्छा use का मतलब होता है कि get की रिक्वेस्ट हो, post की रिक्वेस्ट हो, कोई सी भी हो, use का मतलब ये होता है। अगर मैं यहाँ पे get कर दूंगा ना तो सिर्फ get की रिक्वेस्ट पे ये हिट होगा, ये वाला राउट किसी और पे नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ app.use, मैंने कहा get की हो, रिक्वेस्ट post की हो, अगर राउट स्लैश हो ना तो इसको हिट करना है आपने। अच्छा, अगर ये हिट हो जाएगा तो फिर होगा क्या, express.static, मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक क्या भेजना है, स्टेटिक फाइल उठा के भेजनी है। वो फाइल इंडेक्स और HTML भी हो सकता है, वो MP3 फाइल भी हो सकती है, वो MP4 भी हो सकता है, कोई zip फाइल भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इस जगह पे ना स्टेटिक के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मुझे उस फाइल का पाथ बताना है,
कि वो फाइल रखी हुई कहाँ पे है जिसको उठा के भेजूँ, मतलब मेरे फोल्डर में कहाँ रखी हुई है, मेरे कंप्यूटर में वो फाइल कहाँ रखी हुई है, मुझे वो बताना है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे तो पता है कि मेरे कंप्यूटर में ये फाइल कहाँ है, मैंने राइट क्लिक किया इसके ऊपर, राइट क्लिक करके क्या कर दिया, कॉपी पाथ कर दिया, कॉपी पाथ, और इधर ला के मैंने उसको पेस्ट कर दिया, सही है, ये मैंने यहाँ पे पाथ लाके पेस्ट कर दिया, सही है, पूरा index.html तक गुड। लेकिन ये करने से मसला हल नहीं होगा, मसला इसलिए हल नहीं होगा कि मेरे कंप्यूटर में ये जो सर्वर की जो फाइलें हैं ना सारी, वो इस एक खास फोल्डर में पड़ी हुई है। जब मैं यही सर्वर उठा के भेजूंगा साइक्लिक पे या क्लाउड पे, तो मुझे नहीं पता कि साइक्लिक वाला अपने लिनक्स की मशीन में उसको किस फोल्डर में रखेगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, तो मेरे पास ना ये DIR नेम जो है ना, ये DIR नेम क्या है मेरे पास, एक ग्लोबल कांस्टेंट है, इसके अंदर मेरे उस फोल्डर तक का पाथ होगा जहाँ पे मेरे सर्वर की फाइल पड़ी हुई है, यानी जहाँ पे ये server.mjs की फाइल है ना, इस फोल्डर तक का पाथ मुझे इस DIR नेम में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अच्छी बात ये है कि ये ग्लोबल कांस्टेंट ES5 में हुआ करता था, ES6 में इसको ग्लोबल कांस्टेंट से हटा दिया गया है, सही है। तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, गेट करना पड़ता है। गेट कैसे होगा, ये मैंने बोला const underscore dir name equals to path dot resolve, ऐसे करके मिलेगा ये, ठीक है। मतलब अब मुझे लाइब्रेरी के जरिए गेट करना होता है, पहले कांस्टेंट ग्लोबल कांस्टेंट होता था, वो नहीं है अभी। तो ये DIR नेम मैंने यहाँ पे लगा दिया, लेकिन मसला अभी भी एक ये है, देखो दोबारा मैं इसका कॉपी पाथ करता हूँ, इस फाइल का कॉपी पाथ था, तो अब गौर करना, ये मुझे पाथ किस तरह का दे रहा है, ये बात शुरू कहाँ से हो रहा है, यूज़र से शुरू हो रहा है। तो विंडोज़ में अगर मैं होता तो पाथ कहाँ से शुरू होता, सी ड्राइव से होता, ये तो मसला है। मेरी मशीन में अगर मैं DIR नेम ऐसे गेट करके ऐसे लगाता हूँ और DIR नेम के साथ प्लस कर देता हूँ, क्या प्लस कर देता हूँ, जाहिर है इसके आगे एक डायरेक्टरी है ना मेरे पास, web/index.html, ये करूँगा ना मैं, मैंने कहा web/index.html, सही है। तो ये सही हो गया मेरे केस में, मेरी मशीन में ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा, क्योंकि मेरी मशीन में पाथ शुरू यहीं से होता है, और जहाँ तक इसने मुझे दिया है ना पाथ, यहाँ तक देगा मुझे ये पाथ, ठीक है, यहाँ तक देगा, स्लैश भी होगा लास्ट में मोस्ट प्रॉब्ली। तो मैंने ये लगा दिया web/html, यही कोड एज इट इज विंडोज में नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, हाँ नहीं, अगर ये विंडोज में कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो DIR नेम में मुझे जो पाथ मिलेगा वो तो सी ड्राइव होगी ना, फिर उसके शुरू में ऐसे होगा, वो तो ऐसा ही होगा ना, लेकिन फिर भी नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, चलो ये सी ड्राइव ऐसे करके मैंने लिख दिया, ऐसा पाथ मिलेगा क्या, DIR नेम में उस फोल्डर में जो पड़ा होगा उसका पाथ मिलेगा ना। तो अगर मैं इस मशीन पे इसको रन करता हूँ विंडोज पे, तो जो पाथ विंडोज में जैसा मिलता है वैसा मिलेगा, दैट्स इट। तो फिर अब मैं ये कह रहा हूँ विंडोज में ये नहीं चलेगा, सोचो क्यों नहीं चलेगा, नहीं ये तो अभी इस मशीन का मिल रहा है ना मुझे पाथ, जब मैं विंडोज पे होऊंगा तो जिस फोल्डर में होगा एग्जैक्टली उसका पाथ मिल जाएगा उस फोल्डर का, लेकिन ये फिर भी नहीं चलेगा, क्यों, विंडोज के अंदर ये जो स्लैश है ना, ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं होता, ये बैकवर्ड स्लैश होता है, सही है, लेकिन बैकवर्ड मिलेगा ना, बैकवर्ड होता तो बैकवर्ड मिलेगा, दैट्स इट। लेकिन मसला ये है कि मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड लगाया हुआ है ना, जब इस बैकवर्ड स्लैश वाले पाथ के साथ ये सब बैकवर्ड स्लैश होगा विंडोज के अंदर अगर, तो यहाँ पे बैकवर्ड बैकवर्ड लगा हुआ है ना, और एक पे आ जाएगा फॉरवर्ड, तो वो बोलेगा इनवैलिड पाथ,
कहेगा ये क्या है, ये तो मुझे नहीं पता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन वंडीशन लगा के ना ऐसी सेटिंग बनानी पड़ेगी कि अगर विंडोज हो तो ये इस स्लैश को क्या करे, बैकवर्ड कर दे। और भी इस तरह के 10-12 लवाजमात हैं इसके ना, छोटे छोटी छोटी 10-12 चीज़ें हैं, वो UTF इनकोडिंग का चक्कर है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ों का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पे। और ये सारा ख्याल मुझे क्यों रखना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मैं साइक्लिक पे या हरिको पे जब इसको भेजूंगा इस सर्वर को, तो वहाँ पे विंडोज़ मशीन होगी, मैक होगी या लिनक्स होगी, मुझे ये नहीं पता। मोस्ट प्रोबेबली लिनक्स होगी, क्योंकि 99% जो है सर्वर में लिनक्स यूज़ करते हैं लोग, खास तौर पे सस्ती जगहों जहाँ पे मतलब फ्री ट्रेल रेल जहाँ देना होता है ना, या मतलब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कोई हो ना, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर हो तो वो बात केस अलग है। लेकिन ये छोटे छोटे जितने हैं ना, जाहिर है लिनक्स फ्री है, पैसे बचते हैं, कॉस्ट कम आती है, तो लिनक्स क्यों नहीं यूज़ करें। तो 99% लिनक्स यूज़ करते हैं, लेकिन जस्ट इन केस अगर कभी विंडोज़ पर उन्होंने करने की कोशिश की तो मेरा कोड ब्रेक हो जाएगा ना। तो उसके लिए हमारे पास यही जो पाथ की लाइब्रेरी है, इन्होंने मुझे क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोला भाई ऐसे प्लस नहीं करना आपने, सही है, ऐसे प्लस करने के बजाय आप बोलोगे क्या किया, कह रहे ऐसे प्लस करने के बजाय ना आप बोलोगे पाथ डॉट ज्वाइन, ठीक है, पाथ डॉट ज्वाइन करोगे आप, पहले दोगे उसमें अंडर स्कोर DIR नेम और कॉमा डाल के उसके बाद जो चीज़ आपने आगे ज्वाइन करनी है, क्या था हमारा, web/index.html, ये दे दोगे आप। तो ये ज्वाइन जो है ना इसको, ये सब चीज़ें देख दाख के ज्वाइन करेगा, क्या भी विंडोज़ है क्या है जो भी है वो सब देख दाख के करेगा। तो मैंने कहा कट, और मैंने ये प्लस हटा के ना पाथ डॉट ज्वाइन यहाँ पे लगा दिया। ओ क्या कर रहा हूँ, हाँ देखो स्टेटिक के अंदर पहले मैं क्या करता था, पहले मैं प्लस करता था ना हाथ से, अब मैं हाथ से प्लस नहीं कर रहा, बल्कि अब मैंने ये पाथ डॉट ज्वाइन दे दिया इसको। सही है, समझ आ गई क्या हो रहा है, एक्सप्रेस डॉट स्टेटिक समझ आ गया, उसके बाद पाथ डॉट ज्वाइन समझ आ गया, DIR नेम कैसे गेट हुआ वो समझ आ गया, DIR नेम में क्या मिलता है वो समझ आ गया, हम प्लस क्यों नहीं कर रहे, ज्वाइन क्यों कर रहे हैं वो भी समझ आ गया। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसमें समझ ना आई हो इस लाइन में, कोई सवाल तो नहीं है इस लाइन तक किसी का। अच्छा अब एक चीज़ और है, ये इंडेक्स डॉट HTML अगर मैं लिख दूँ तो भी सही है, नहीं लिखूँ तो भी सही है, सही है, हटा दिया मैंने। अब आप बोलोगे यार फॉरवर्ड स्लैश तो यहाँ से हटा दिया, तो अब ज्वाइन की ज़रूरत ख़त्म हो गई अब तो, ठीक है, ऐसा ही है, ज़रूरत ख़त्म हो गई, लेकिन जस्ट इन केस मैंने ये पाथ डॉट ज्वाइन रखना है यहाँ पर। अच्छा इंडेक्स डॉट HTML अगर मैं हटा दूँ तो भी ये चलेगा, वो इसलिए चलेगा कि अगर मैं किसी स्टेटिक को, असल में चाहिए होता है फाइल का पाथ, एक्सप्रेस डॉट स्टेटिक को क्या चाहिए होता है, फाइल का पाथ, लेकिन अभी जो मैं दे रहा हूँ ना यहाँ पे वेब, यहाँ पे स्लैश लगा सकता हूँ मैं अगर लगाना चाहूँ तो, मैंने कहा स्लैश वेब, तो ये फोल्डर का पाथ है, ये फाइल का पाथ नहीं है, हाँ तो फोल्डर का अगर मैं पाथ देता हूँ तो उसको, इसमें डिफ़ॉल्ट फिनोमेना क्या है, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है, कि उस फोल्डर में ये इंडेक्स के नाम की फाइल तलाश करेगा, चाहे वो index.html हो चाहे वो index.mp3 हो, इंडेक्स के नाम की फाइल तलाश करेगा और उस फाइल को उठा के ले आएगा ऑटोमेटिकली। यही वजह है कि हम जब GitHub पेजेस में होस्टिंग करते थे तो फाइल का नाम क्या रखते थे, index.html। अगर index.html नहीं लिखेंगे ना तो .com के बाद स्लैश करके वो फाइल का नाम लिखना पड़ेगा फिर मुझे जब खुलेगी वो जाने, ठीक है। तो मैं तो मैं index.html यहाँ पे फिलहाल लगा देता हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं भी लगाऊंगा ना तो ये बिल्कुल सही चलेगा, ठीक है। अब इस सर्वर को मैं क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ यहाँ पे। इस सर्वर को रन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले इस फोल्डर में आना होगा, मैंने कहा cd2 tab enter, उसके बाद cd api integration, सही है, 4 tab enter, सही है। अब मैं इसके अंदर आ गया, यहाँ पे आके मैंने करना है npm start था या npm run dev था, npm run dev देखा है हमने अभी तक, हाँ। अच्छा इसको ना चलाने के लिए देखो क्या होता है, लास्ट टाइम अगर इसको स्टार्ट करते थे ना तो जब भी कोई चेंज करते थे रोक के दोबारा चलाना होता था, राइट, ठीक है। तो मैं क्या पे ना स्क्रिप्ट और लिखूंगा छोटी सी, मैं बोलूँगा dev, किसी भी नाम से लिख सकता हूँ, और मैं इस पर लिखूँगा node --watch और फिर फाइल का नाम,
अब होगा क्या कि इस फाइल के इस सर्वर की फाइल को ना वो वॉच करेगा, कोई भी चेंजेस होगी खुद से रिस्टार्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अभी स्टार्ट की कमांड तो ऐसे चलती थी ना कि भाई npm start, लेकिन स्टार्ट के अलावा जितनी भी कमांड है उसको हम npm run और फिर वो बात लिखते हैं। तो मैं लिखूंगा npm run dev enter, सही है, listening on 3000। अब ये मेरे सर्वर की फाइल है ना, मैं जैसे ही इसमें कोई चेंज करूंगा और सेव का बटन दबाऊंगा रीस्टार्ट कर देगा ये, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, रीस्टार्टिंग server.mjs, ठीक है। दोबारा कोई चेंज करूंगा फिर रीस्टार्ट करेगा उसको। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो सबसे नया वाला नॉट जे एस है ना, सिर्फ उसमें रन होगा, सही है। कौन से वाले पे? नॉट जे एस का जो वर्जन है 18। अगर आपके पास नॉट जे एस का वर्जन 18 से कम है तो ये फीचर आपके पास नहीं चलेगा, सही है। बाय द वे वो 18 ही नया वाला है। अगर आप जाएंगे ना नॉट जे एस और एंटर करेंगे, और ये नया वाला जो आप ये देखें 18 अब LTS हो गया, पहले ये 16 था, 16 पहले LTS था, 16 जो इसका वर्जन था 16, ठीक है। तो ये अगर किसी के पास LTS वर्जन 16 वाला है उसके पास ये नहीं चलेगा, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा 18 पे, फिर ही आपके पास ये काम करेगा, ठीक है। मैं अपने पास अगर आपको चेक करवाऊँ, नॉट माइनस 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 वी सिर्फ लिखता हूँ ना बल्कि, तो ये 18.12 मेरे पास वर्जन है। तो अगर इससे नीचे का वर्जन है ना आपके पास, तो ये फीचर उसमें है ही नहीं, ठीक हो गया जी। तो मैंने npm run dev करके ये लोकल होस्ट 3000 पे ये सर्वर रन कर दिया, बल्कि मैं इसको लोकल होस्ट ना 5001 कर देता हूँ, 5001 कर दिया मैंने। रीज़न पता है क्या है, लोकल होस्ट 3000 पे ऐसे लगता फील नहीं आती कि सर्वर चल रहा है, उस पर लगता है फ्रंट एंड चल रहा है, क्योंकि हम जब उसको गो लाइव पे करते हैं तो वो 3000 पे चलाता है ना उसको, तो लगता है फ्रंट एंड चल रहा है, फील नहीं आती। तो 5001 सर्वर की पोर्ट है, सर्वर चल रहा है। तो आते हैं अभी यहाँ पे, ज़रा देखते हैं क्या बिहेवियर है इसका। मैंने कहा कि भाई लोकल होस्ट 5001/enter, ओए ये तो चला ही नहीं, स्लैश पे मैंने ये बताया था ना कि ये वाला चला देना, app.use/, ऐसा क्यों हुआ? क्या बकवास है यार, नहीं सर्वर रुका, चलो रोक के दोबारा चला देता हूँ, ये लो रोक के चला दिया। क्या मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पे यार, अच्छा अगर मैं /index.html करूँ अगर तो भी नहीं मिल रहा, क्या मिस्टेक कर दिया मैंने, एक मिनट में देखूं, मैंने सही तो दिया है ना, गलत तो नहीं दिया। /web index.html सही तो है यार, बिल्कुल सही है, चल क्यों नहीं रहा करिए। अच्छा इसको मैं स्टेरिक भी कर सकता हूँ, राइट। स्टेरिक का मतलब होता है कि कोई भी रिक्वेस्ट हो जो उस पर यही भेज रहा है, तो मैं जस्ट टू चेक इट आउट मैं स्टेरिक लगा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर देखता हूँ क्या होता है। मुझे लग रहा है शायद ये कैशे वैशे हो गया, तो मैं कैशे क्लियर करके इसको ज़रा ट्राई करता हूँ, नेटवर्क्स में जाके देखता हूँ क्या आया, 404 आ रहा है, 404 आ रहा है, ये क्या बकवास है, स्लैश स्टैरिक करके देखता हूँ यार, ये मैंने यहाँ पे जो स्लैश लगाया इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। उसको एक मिनट डी आई आर नेम को ज़रा कंसोल कराता हूँ कि उसमें मतलब जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ वही मिल रही है या क्या कुछ और मिल रहा है। ठीक है, डी आई आर नेम को मैंने कॉन्सोल कराया, भाई सही है, डी आई आर नेम तो सही मिल रहा है, ये आ गया ना नीचे कॉन्सोल में डी आई आर नेम। अच्छा डी आई आर नेम में मुझे कहाँ तक मिल रहा है, 4API integration और in web app तक मिल रहा है मुझे, यहाँ तक। अब इसके आगे मुझे web और index.html ये मुझे देना है,
सही है, ये मुझे देना है। तो अब पाथ डॉट ज्वाइन करके भी देख लेते हैं कि पाथ डॉट ज्वाइन होने के बाद एग्जैक्टली वही चीज़ मिल रही है जो मैं सोच रहा था या कुछ और मिल जा रहा है। ठीक है, पाथ डॉट ज्वाइन के बाद बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है यार पाथ, कोई इशू नहीं है। इसको मैं अलग से यहाँ से कॉपी करके ना जाके गूगल क्रोम में या लिख के देख भी लेता हूँ, बिल्कुल सही चल रहा है, सही पाथ दे रहा है, मतलब ज्वाइन होने के बाद पाथ बिल्कुल सही दे रहा है वो मुझे। फिर क्या मसला है यार, चल क्यों नहीं रही? नहीं पाथ सही दे रहा है ना, अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे लगा दूँ तो भी सेम ही आएगा, वो देख रहा होता है ये चीज़ें उन्होंने मैनेज की हुई है बिहाइंड द सीन कि इधर फॉरवर्ड स्लैश है नहीं है कुछ भी है, वो उन्होंने मैनेज किया हुआ है। जब भी तुम ज्वाइन यूज़ करते हैं इसमें बहुत सारी कंडीशन है, चल क्यों नहीं रहा यार, क्या बकवास है। अगर मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हटा दूँ यहाँ से तो वही चल गया। सही है, चला कैसे अब ये भी देखना पड़ेगा ना यार, वैसे ही चल गया क्या बिला वजह? ऐप डॉट गेट स्लैश, अबे अब चल रहा है, अब रुक रहा नहीं है। अच्छा मुझे फाइल का नाम नहीं लिखना, मुझे फोल्डर का ही नाम लिखना है, फोल्डर का ही नाम लिखना है, सही है, फाइल का नाम नहीं लिखना साहब, फोल्डर का नाम लिखना है और उसके बाद फिर वो खुद ही देख लेगा। सही है जी, तो ये अब जो मेरी जो वेब की जो फाइल थी वो कहाँ पे आ चुकी है, वो इधर आ चुकी है ना। अच्छा ये ना हमें दोनों लाइन लगानी पड़ती है, अब ये दोनों लाइन हम क्यों लगाते हैं ये बाद में जाके हमें समझ आएगी जब हम मल्टीपल पेजेस वाली रिएक्ट वगैरह की ऐप बनाएंगे ना। तो असल में ये इस तरह होता है ऐप डॉट गेट स्लैश और उसके बाद ऐप डॉट यूज एस्टेरिक करके भी इसी तरीके से होता है। सही है, तो ये दोनों लाइन हम लगाते हैं, सेकेंड वाली लाइन को मैं फ़िलहाल के लिए कॉमेंट कर देता हूँ क्योंकि इसका होना नहीं होना अभी फ़िलहाल कोई उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब नहीं भी होगा तो एक ही बात है क्योंकि हमारी अभी सिर्फ एक पेज है हमारे पास। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हमें इस तरह से भी एक लाइन नीचे लिखनी पड़ती है कि भाई अगर स्लैश से हिट ना हो तो स्टैरिक हो। असल में ये क्या कर रहा होता है कि अगर हमने ना अपने वेब की फ़ाइल के अंदर कोई ऐसी स्क्रिप्ट लगाई हुई होती है जो मैं बोलता हूँ ना कि यार मेरे इसी फोल्डर के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर जाके स्क्रिप्ट डॉट जे एस है, तो वो ये सेकेंड वाली लाइन लिखे बगैर वो काम नहीं करेगा। सही है, बल्कि ये हम करके देख भी लेते हैं अभी, हाथ के हाथ करके देख लेते हैं। अभी मैंने कहा कि भाई ये पूरी स्क्रिप्ट जो है ना इसको कट करो, और स्क्रिप्ट को कट करके कहाँ ले जाओ, एक अलग से फाइल बना दी मैंने ऐप डॉट जे एस, इधर ले जाओ पूरी स्क्रिप्ट को कट करके यहाँ ले जाओ, राइट, ऐसे करते हैं ना, एक्सटर्नल फाइल बना देते हैं। अच्छा, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आके अब मैं क्या लिखूँगा, अब मैं यहाँ पे इस पर स्क्रिप्ट में एस आर सी लगाऊँगा और मैं बोलूँगा डॉट स्लैश ऐप डॉट जी एस। अब ये यहाँ पे ना ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, ये अब देखो कैसे ब्रेक होता है, ये स्क्रिप्ट ना लोड ही नहीं होगी। ठीक है, अब ये नोट कर रहे हो ऐप डॉट जी एस नहीं लोड हुई, 404 आ गया। अब ऐप डॉट जी एस को गेट करने के लिए इसने रिक्वेस्ट क्या मारी थी, इसने ये रिक्वेस्ट मारी थी। तो अब मैं जब ये नीचे वाली लाइन को इनेबल कर दूंगा ना तो ये सही चलने लग जाएगा, बस सही चलने लग गया। ठीक है, तो ये मैंने दो लाइन लिखनी पड़ती है, ये पहली वाली जो लाइन है ये किसके लिए है, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल के लिए, और इसके नीचे जो स्टेरिक वाली जो लाइन है ये उसमें जितने भी स्क्रिप्ट वगैरह लगी हुई होगी या जितनी भी चीज़ें होंगी साथ वाले फोल्डर में ही पड़ी है उसके लिए। ठीक है, तो ये दोनों आपको लगानी पड़ेगी जब ये प्रॉपर वर्क कर रहा होगा। तो हमने अभी सबसे पहला काम क्या कर लिया,
अपनी जो वेब एप्लीकेशन थी उसको हमने एक्सप्रेस के सर्वर के ऊपर क्या कर लिया है, होस्ट कर लिया है। ठीक है, अब होस्ट करने के बाद अब अगला काम क्या करना है, मैंने अगला काम ये करना है कि इस वेब एप्लीकेशन से वापस मैं सर्वर को कॉल करूँ। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं ये बात क्लियर करता चलूँ कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने फ्रंट एंड को इस सर्वर पे होस्ट करें, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। आप अगर चाहें तो आप इस अपने इस फ्रंट एंड को जैसे गिटहब पेजेस में होस्ट करते थे वैसे ही होस्ट करें, नॉट अ प्रॉब्लम। सही है, और आप वहाँ से अपने सर्वर को कॉल करते रहें, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये भी एक ऑप्शन है, आपको पता होना चाहिए, अगर आपका क्लाइंट दो जगह पे करेगा तो उसको तकलीफ होती है। जाहिर है वहाँ पे फायरबेस होस्टिंग वैसे तो फ्री है, लेकिन अल्टीमेटली कभी ना कभी उसको पे तो करना पड़ेगा ना, जब ट्रैफिक आएगी तो पे करना पड़ेगा। और साइक्लिक पे सर्वर होस्ट किया है उसको भी पे करना पड़ेगा, या हरिको पे या रेलवे ऐप पे किसी पे भी, तो दो जगह क्यों पे करूँगा मैं? तो मैं अपना वो फ्रंट एंड उठा के कहाँ रख देता हूँ, इसी सर्वर पे रख देता हूँ, एक ही जगह पे करूँ, सारा काम इधर ही चले। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, अगर आप अवेल करना चाहें तो करें, अगर आप नहीं अवेल करना चाहें तो आप किसी स्टेटिक होस्टिंग पे करके रखें होस्ट, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन पे फिर दो जगह करना पड़ेगा आपके क्लाइंट को। कौन से दो पेज हैं? नहीं, आप वेब के अंदर जितने भी पेज बनाओ ये फिक्स हो गया, अब इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। अभी आपको अंदाज़ा हुआ है कि फायरबेस होस्टिंग में ये दो लाइन लिखी हुई है बस, फायरबेस होस्टिंग जो है वो ये दो लाइन का कोड है पीछे उसके, बिहाइंड द सीन। अब आप भाई अब आप ना वेब एप्लीकेशन के फोल्डर में आके आप जैसी मर्जी है वेब एप्लीकेशन बना दो, अब आपको इधर सर्वर पे मजीद कुछ नहीं करना, बस ये जो दो लाइन लिख दी है ना मैंने, बस यही है, ख़त्म हो गया। अगर ये दो लाइन का ही होता है स्टैटिक होस्टिंग, ये दो लाइन है बस, मतलब दो नहीं है, ऊपर तीसरी लाइन भी शामिल है इसमें, ये तीन लाइन है एक्चुअली। सही है, ये तीन लाइनों का कोड है बट दैट्स इट। अच्छा, लेकिन ये तीन लाइनों का कोड ना ज़रूरी है कि ये सबसे लास्ट में हो। सही है, मतलब गेट वेदर, गेट वाटर, गेट फूड, सब जो भी ऊपर है ना वो सबसे लास्ट में हो ये वाला। सही, ये ज़रूरी है, अगर ऊपर टॉप पे कर देंगे तो फिर मसला हो जाएगा, वो हर दफ़ा आपको होम पेज ही देता रहेगा, आपकी API कॉल ही नहीं हो पाएगी फिर। ठीक है जी, तो ये मैंने बात क्लियर कर दी।